मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खाद्य उपभोक्ता विभाग और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कामकाज का लिया जायजा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर दिया जोर। 1975 के आपातकाल के खिलाफ प्रदेश भाजपा का राज्यव्यापी कार्यक्रम सह प्रदर्शन। रांची में बाबूलाल मरांडी, जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हुए शामिल। जीएसटी इंटेलिजेंस की जमशेदपुर में बड़ी कार्रवाई। जीएसटी घोटाला मामले में एक कारोबारी गिरफ्तार। रांची में एसीबी ने रातू थाना के सब इंस्पेक्टर को घूस लेते दबोचा। और चक्रवातीय प्रवाह के कारण राज्य में भारी बारिश के आसार। कल से 29 जून तक कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज भी झारखंड मंत्रालय में विभागों के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने आज खाद्य उपभोक्ता विभाग और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया ताकि जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभागीय सचिव मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज राजभवन में ओडिशा के राज्यपाल के शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने शिष्टाचार मुलाकात की। टाना भक्तों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसी दुबे ने भी आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 44वें स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी राज्यपाल से भेंट की। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संस्थान की गतिविधियों और आवश्यकताओं से राज्यपाल को अवगत कराया। ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना में आदिवासी रेजिमेंट बनाने की भावना से उन्हें अवगत कराया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन में हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने फौज की बहाली में आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने डूरंड कप के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग के प्रति मुख्यमंत्री का आभार जताया। यह प्रतियोगिता इस बार जमशेदपुर की मेजबानी में आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा द्वारा आज राज्य के विभिन्न जिलों में साल 1975 के आपातकाल के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साल 1975 के आपातकाल के विरोध में भाजपा के देशव्यापी अभियान के तहत जमशेदपुर में भी पार्टी ने काला दिवस मनाया। इस अवसर पर जुलूस निकाला गया। साथ ही बांगो बड़ा हनुमान मंदिर के पास से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। सबसे ज्यादा सेंसरशिप और सबसे ज्यादा यदि लोगों की आवाज का जो माध्यम होता है मीडिया को उन्होंने रोकने का, आज कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान लोकतंत्र है। वो भूल जाते हैं कि 50 साल पहले उनकी ही दादी इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके देश में आपातकाल लागू किया। विपक्ष पर पलटवार करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने ही जामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दो स्थानों पर ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण से वंचित करने का काम किया। देश के अंदर आपातकाल लागू करके संविधान को खतरे में डाला, आरक्षण खत्म किया, दो सरकारी संस्थाएं पूरे आजाद भारत में दो जगह से सरकारी संस्थाओं का आरक्षण खत्म हुआ एससी एसटी ओबीसी का, वो है जामिया इस्लामिया और मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने खत्म किया। ये सारे काम वो करते हैं, एलिगेशन हम पे लगाते हैं।
उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। जमशेदपुर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 1975 के आपातकाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो साझा कर कांग्रेस से आपातकाल के लिए माफी मांगने के लिए कहा। देश में आपातकाल लगने की नींव उस एक फैसले के बाद पड़ी जहां इंदिरा गांधी सीधे देश की न्यायपालिका से भिड़ चुकी थी। इसकी शुरुआत हुई साल 1971 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी। नतीजे आए और इंदिरा गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजनारायण को हरा दिया। अपनी हार के विरुद्ध राजनारायण हाईकोर्ट चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इंदिरा ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। 12 जून 1975 को इस मामले में जस्टिस जगमोहन सिन्हा का निर्णय आता है और इंदिरा इसमें दोषी पाई जाती हैं। उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है। इस निर्णय के खिलाफ इंदिरा सुप्रीम कोर्ट जाती है जहां 24 जून 1975 को उनकी पीएम की कुर्सी तो बच जाती है लेकिन अदालत सुनवाई पूरी होने तक उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक देती है। 24 घंटे भी नहीं बीतते और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। ये लोकतंत्र विरोधी निर्णय 21 महीनों तक संविधान को तानाशाही की बेड़ियों में जकड़े रहता है। आज उन्हीं की पार्टी जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठाती है तो वो ये भूल जाती है कि इस लोकतंत्र पर सबसे घातक प्रहार उन्होंने ही किया था। सीपीएम ने राज्य के खदानों में मची लूट और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई है। पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने रांची के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न समसामयिक विषयों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि सीपीएम की राज्य इकाई जन मुद्दों को लेकर 16 से 21 अगस्त तक राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। पूरा कोला खदान के इलाके जो संथाल परगना में है, हम लोग स्वयं गए और स्वयं वहाँ सर्वे किया गया। जिस तरह वहाँ कंपनियों का लूट है, जमीन का लूट है, रोजगार का लूट है, वहाँ लोकल को कुछ मिल नहीं रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पलटवार किया। भ्रष्टाचार का प्रतीक आपके बगल में हरमू नदी का नाली बन जाना, ये सब भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इसलिए बाबूलाल जी, अब समय आ गया है, आपको माफी मांगना चाहिए। भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झाबुमो विधायक कल्पना सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर इनके बीच चर्चा हुई। जीएसटी इंटेलिजेंस ने जमशेदपुर में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। जीएसटी घोटाला मामले में दबोचे गए कारोबारी से लंबी पूछताछ हुई जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में पहले भी कई और गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। जांच में पाया गया है कि जमशेदपुर में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें फर्जी तरीके से लेन देन किया जा रहा है। इधर रांची में एसीबी ने भी कार्रवाई की है। जिले के रातू थाना के सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को एसीबी ने 35,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। यह घुसखोर थाना में दर्ज एक केस को कमजोर करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। सूचना पर एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से घुसखोर एसआई को गिरफ्तार कर लिया।
हजारीबाग में नागरिकों की सुविधा के लिए साइबर थाना की स्थापना की गई है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने थाना भवन का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग पुलिस साइबर अपराध के मामलों पर तत्परता से काम कर रही है। साइबर थाना की स्थापना से कार्य दक्षता बढ़ेगी। को भी सहूलियत होगी कि चलो भाई हमारा फ्रॉड हुआ है तो उस थाने में जाना है, रिपोर्ट करना है, और उसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ काम साइबर से रिलेटेड जो भी केस है। झारखंड समेत देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। नए कानून में मानव तस्करी मामले में भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। नए आपराधिक कानून के तहत वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे की खरीद फरोख्त पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। विदेश से जबरन या यौन शोषण के उद्देश्य से 18 साल से कम आयु के लड़कों और 21 साल से कम आयु की लड़कियों के आयात को अपराध माना गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। राज्य में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जारी है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि जिन युवाओं की उम्र का 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरी होने वाली है वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची से संबंधित अन्य कार्य भी किए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज से भी आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द अपने बूथ वार बूथ लेवल एजेंट्स असाइन करें ताकि वो BLOs को मदद कर सकते हैं फॉर्म कलेक्शन में भी, जिसमें प्रत्येक BLA पर डे एक बार में 10 फॉर्म से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, परंतु अगर उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम डिलीट करने की आवश्यकता है या फिर जिनका नाम ऐड करने की आवश्यकता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज इत्यादि जो भी चेंजेस करने की आवश्यकता है वो BLOs के माध्यम से भी हो सकता है, फॉर्म कलेक्शन के पश्चात वो BLOs को दे सकते हैं। रांची समाहरणालय में आज उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैंकों के कामकाज की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने ऋण प्रवाह में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना और मुद्रा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों के लिए आज से बस सेवा की शुरुआत की गई है। रांची नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई ये 3 बसें पुराने हाईकोर्ट से नए हाईकोर्ट के लिए प्रतिदिन निर्धारित समय पर खुला करेगी। बस सेवा शुरू होने से दूर दराज के क्षेत्रों से हाईकोर्ट आकर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को काफी सुविधा होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह झामुमो नेता सुधीर महतो की आज 68वीं जयंती मनाई गई। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत कदमा स्थित उलियान में कृतज्ञ लोगों ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जन्म जयंती है जो हमारे इस जिला ही नहीं पूरा कोलानी नहीं पूरा राज्य में मनाए जा रहे हैं, और शहीद स्टेडियम निर्मल महतो स्टेडियम जो आज
का स्टेचू में मालापन हो रहा है, श्रद्धांजलि पूरा फैमिली के साथ साथ पूरा कार्यकर्ता और पूरा यहाँ पर आ रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्य स्मृति वर्ष के पावन अवसर पर राज्य के 5 शहरों में रश्मि रथ पर्व का आयोजन होगा। इस सिलसिले में आज रांची स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक हुई। कवि रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र एवं राष्ट्रकवि दिनकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ऋतिक उद्यन ने बताया कि कल नेतरहाट आवासीय विद्यालय में रश्मि रथ पर्व का आयोजन होगा। आवासीय विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा है। इस आयोजन में हम विश्व भर में एक यूनिक प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, जहां पे तकरीबन 450 से अधिक बच्चे एक साथ दिनकर जी द्वारा रचित खंड काव्य रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का पाठ करेंगे। कोडरमा के प्रसिद्ध ध्वजाधारी धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ध्वजाधारी धाम जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। शिव भक्त यहां 777 सीढ़ियों चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ पर बसे बाबा भोले का जलाभिषेक करते हैं। कोडरमा की प्रसिद्ध ध्वजाधारी धाम में चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान में एनसीसी कैडेट और रक्षा सेवाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक के ग्लास और प्लेट समेत तमाम कचरे को इकट्ठा कर उनका निस्तारण किया, ताकि ध्वजाधारी धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। आश्रम के महामंडलेश्वर महंत सुखदेव दास जी महाराज ने एनसीसी कैडेट और युवाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई के बाद इस पवित्र धार्मिक स्थल पर आने वाले लोगों को स्वच्छ अनुभूति मिलेगी। इसमें बहुत बड़ा सहयोग सब भक्त लोग का है और बच्चे लोग का है। 775 सीढ़ी चढ़ करके वो लोग के जितना गिलास कचरा था ले करके सफाई किया और बहुत अच्छा लगा। और उनका बच्चा लोग का भाव देख करके और पवित्र स्थल में पवित्रता के साथ में लोग काम किया, बहुत आनंद आया। इतना ही नहीं, स्वच्छाग्रहियों द्वारा ध्वजाधारी पहाड़ के 777 सीढ़ी पर झाड़ू भी लगाया गया और पहाड़ की ऊपरी चोटी पर साफ सफाई भी की गई। ध्वजाधारी धाम के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज कुमार झुन्नू ने कहा कि परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। यहाँ एनसीसी कैडेट्स के बच्चों और ये जो डिफेंस की तैयारी करे बच्चों के द्वारा ध्वजाधारी आश्रम के ऊपर सबसे ऊपर चोटी से नीचे तक 777 सीढ़ी पूरी साफ सफाई की गई। इसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक मुक्त करने का लोगों ने शपथ लिया और पूरा प्लास्टिक को चुन के लोगों ने इकट्ठा किया, जिसको नगर पंचायत के द्वारा यहां से उठा लिया गया। बच्चों को संदेश दिया गया कि इसी तरह से आप लोग अपने आस पड़ोस परिजन को भी ये जागरूक कीजिए। कोडरमा का ध्वजाधारी धाम आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ शिवरात्रि और सावन के महीने के अलावे हर दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। गढ़वा थाना क्षेत्र में कल अपराधियों ने पचपड़वा सब्जी बाजार के समीप एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड राज्य आवश्यकता आधारित अनुबंधित सहायक प्रधानाध्यापक संघ रांची के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों को एक निश्चित मासिक मानदेय देने और 65 वर्ष की सेवा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आंदोलनकारी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। विधायक रणधीर कुमार सिंह की अनुशंसा के आलोक में सारठ विधानसभा में 6 सड़कों की विशेष मरम्मती कार्य की स्वीकृति मिली है।
उन्होंने इसकी जानकारी साझा करते हुए भरोसा जताया कि सड़कों की विशेष मरम्मति कार्य से इलाके में लोगों का आवागमन सुगम हो सकेगा। विधायक अंबा प्रसाद ने पतरातु स्थित आवास में जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पाकुड़ में उप विकास आयुक्त ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर प्राप्त निर्देशों के विस्तार से जानकारी दी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत बकरा विकास योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत पोटका प्रखंड मुख्यालय में 14 लाभुकों के बीच 4 बकरी और 1 बकरे का वितरण किया गया। रांची में मनरेगा अंतर्गत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस क्रम में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रैक्टिकल सत्र का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्हें मनरेगा पोर्टल, पंजीकरण तथा भुगतान से संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। लातेहार जिला अंतर्गत मादक पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से अनवरत प्रयास जारी है। इस कड़ी में LED जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। धनबाद में समाज कल्याण विभाग की पहल पर मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली में शामिल होकर नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। रैली सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक गई। समापन पर सभी ने नशा के खिलाफ शपथ भी ली। राज्य में कल से 29 जून तक भारी बारिश के आसार है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। उसी प्रकार 28 जून को उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। 29 जून को उत्तर पूर्वी और उसके समीप के मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 28 जून तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। थाईलैंड में 16 जुलाई से 15 और 20 वर्ष आयु वर्ग के एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए झारखंड के दो पहलवानों ने भारतीय कुश्ती टीम में जगह बना ली है। 38 किलोग्राम भार वर्ग में अनूप कुमार 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की स्पर्धा में अपना दम दिखाएंगे, जबकि अमित कुमार गोप 77 किलोग्राम भार वर्ग में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए क्वालिफाई किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खाद्य उपभोक्ता विभाग और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कामकाज का लिया जायजा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर दिया जोर। 1975 के आपातकाल के खिलाफ प्रदेश भाजपा का राज्यव्यापी कार्यक्रम सह प्रदर्शन। रांची में बाबूलाल मरांडी, जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हुए शामिल। GST इंटेलिजेंस की जमशेदपुर में बड़ी कार्रवाई। GST घोटाला मामले में एक कारोबारी गिरफ्तार। रांची में ACB ने रातू थाना के सब इंस्पेक्टर को घूस लेते दबोचा। और चक्रवातीय प्रवाह के कारण राज्य में भारी बारिश के आसार। कल से 29 जून तक कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी।